तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सो लेट स्टार्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा वर्जन नंबर 1 है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। ये मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम से तो आप सब वाकिफ होंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बाइनरी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेंड और ये है मल्टीप्लायर, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर की बिट चेक करेंगे। अगर वो बिट 1 है तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेंड जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1000। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लायर था 0, तो हमने तमाम बिट्स को 0 रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से 0 था, हमने यहाँ पर दोबारा से सारे 0s पुट कर दिए। और फाइनली हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लिकेंड की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये सब जब हमने लिख लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास बिट्स आई हैं, इन सबको ऐड करना है। सो हम 0 का यहाँ पर लिख देंगे, फिर 0 0 और 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सो इसका रिजल्ट आ गया 1। सो इस तरह हम क्या करेंगे, एडिशन सिंपली परफॉर्म करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लिकेशन का जो वर्जन नंबर 1 है जिसका नाम है शिफ्ट ऐड, वो देखेंगे और ये देखेंगे कि उसका एल्गोरिदम क्या है और उसको हम किस तरह से अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अब हम ये स्टार्ट करते हैं अपना शिफ्ट ऐड मल्टीप्लाई का वर्जन नंबर 1, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद हमारे पास है एक टेस्ट मल्टीप्लायर का डिसीजन। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो हमसे बिट पर हमने परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो हमारी जो बिट है वो 0 है या 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वो मल्टीप्लायर की बिट को सिलेक्ट करना है, हमने मल्टीप्लायर की बिट को चेक करना है कि क्या वो 0 है बिट या फिर वो 1 है। ठीक है, सो हमारे पास जो उनसे भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी हमने उस बिट को चेक करना है। सो इन केस जो अभी हमारे पास जो मल्टीप्लायर है उसके अंदर हमारे पास जो बिट है वो है 1। ठीक है, अच्छा अब हम एल्गोरिथम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बिट जो होगी 1, सो अगर हमारे पास मल्टीप्लायर की जो 0 बिट है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो 1 है, तो हमें ये करना है कि मल्टीप्लिकेंट को सिंपली हमने ऐड कर देना है हमारे पास जो प्रोडक्ट का रजिस्टर है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो सा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 0 पड़ा होता तो हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हम अब इस स्टेप पर आ जाएंगे। इस स्टेप पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंड है, मतलब ये कि इन केस 1000, ठीक है, हमारे पास जो ये 1000 लिखा हुआ है बाइनरी में 1000, इसको हमने शिफ्ट लेफ्ट कर देना है, और हमारे पास जो सा मल्टीप्लायर होगा उसको शिफ्ट राइट कर देना है। सो शिफ्ट राइट करने से क्या होगा, हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी और अब 0 हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी। ठीक है, सो इस तरह क्या होगा, हमारा जो मल्टीप्लायर है वो राइट साइड पर शिफ्ट होता रहेगा और मल्टीप्लिकेंट जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता रहेगा। सो इन दी एंड हमें ये करना है कि हमें ये लूप में काम करना है, और ये लूप तब तक चलेगी जितनी हमारे पास बिट्स हैं मल्टीप्लायर की। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मल्टीप्लायर यहाँ पर 32 बिट्स का है, तो हमारी ये जो रिपीटिशन होगी वो 32 टाइम्स होंगी। यहाँ पर आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे पास हार्डवेयर है उसके अंदर 64 बिट का मल्टीप्लिकेंड है, मतलब ये कि हमारे पास मल्टीप्लायर की जितनी भी बिट्स होंगी उससे डबल हम मल्टीप्लिकेंड को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 32 बिट्स का मल्टीप्लायर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मल्टीप्लिकेंड होगा उसका साइज डबल कर देंगे। सो हमने उसको कर दिया 64 बिट्स, हमारा जो ALU होगा वो भी 64 बिट्स का हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी 64 बिट्स का हो जाएगा। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है और इस एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लायर में वैल्यू है 0011। ठीक है, हमारा जो मल्टीप्लिकेंड होता है वो हमारे जो मल्टीप्लायर से डबल होता है साइज। ठीक है, सो ये 4 बिट का मल्टीप्लायर है, तो हमने 8 बिट का मल्टीप्लिकेंड ले लिया और प्रोडक्ट भी 8 बिट का ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेंड के अंदर हमारी वैल्यू जो आ गई है वो है तमाम 0 है और एंड पे है 10। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है 1 1 को 10 के साथ। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी तमाम वैल्यूज़ को हमने 0 सेट कर दिया है।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइट्रेशन। और हमने क्या किया कि हमने यहाँ चेक कर लिया कि हमारे पास जो बिट थी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, वो वन है या नहीं है। हमने चेक किया और हमें पता चला कि वो वन है, ठीक है। तो एल्गोरिदम के मुताबिक क्या करना है कि अगर वो वन होगी, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन होगी, तो हमें ये करना है कि जो मल्टीप्लीकेंड है उसको ऐड कर देना है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेंड की वैल्यू क्या थी, तमाम जीरो और एंड पे वन जीरो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया, और आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर में वो लिखा हुआ है, ठीक है। हमने मल्टीप्लीकेंड की जो वैल्यू है उसको ऐड कर दिया प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर, क्योंकि हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि मल्टीप्लीकेंड को शिफ्ट लेफ्ट करना है वन बिट, ठीक है। सो ये हमारा है मल्टीप्लीकेंड और हम इसे करने लगे शिफ्ट लेफ्ट वन बिट। सो जैसे ही हम शिफ्ट लेफ्ट वन बिट करेंगे तो ये ब्लू कलर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो जो पहले वन जीरो था अब वो हो गया वन जीरो जीरो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमारा जो मल्टीप्लायर है उसको शिफ्ट राइट करना है वन बिट, ठीक है। तो हमारा ये है मल्टीप्लायर और इसकी आप वैल्यूज देख सकते हैं वन वन थी, ठीक है। सो जैसे ही हम इसको शिफ्ट राइट करेंगे एक दफ़ा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो रहेगी वो सिंपल एक वन रह गया, ठीक है। सो हमने इसको शिफ्ट राइट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे आइट्रेशन नंबर टू पर। आइट्रेशन नंबर टू में हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी वैल्यू क्या है, और वो थी वन। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वन है तो हम दोबारा से ऐड करेंगे मल्टीप्लीकेंट को प्रोडक्ट के अंदर। सो मल्टीप्लीकेंट की वैल्यू इस दफ़ा थी वन जीरो जीरो, उसको हमने ऐड कर दिया प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर जो कि पहले थी वन जीरो, और ऐड करने के बाद क्या हुआ, उसकी वैल्यू होगी वन वन जीरो, ठीक है। ये ब्लू के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब हमने ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप पर आएंगे, हम मल्टीप्लीकेंट को एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और मल्टीप्लायर को शिफ्ट राइट करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया है मल्टीप्लीकेंट पर, और यहाँ पर शिफ्ट राइट कर दिया है मल्टीप्लायर पर, ठीक है। सो जैसे मैंने मल्टीप्लायर पर शिफ्ट राइट किया तो मेरा जो वन था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर वो भी ड्रॉप हो गया। ये हमारी आइट्रेशन नंबर टू हो गई। अब हम थ्री पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आइट्रेशन उतनी होंगी जितनी मल्टीप्लायर्स के अंदर बिट्स हैं। तो मल्टीप्लायर के अंदर बिट्स कितनी है, चार, तो आइट्रेशन भी चार होंगी, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब हम क्या करें, हम तीसरी वाली आइट्रेशन पे आए हैं, और तीसरी आइट्रेशन में हमने देखा कि वो जीरो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ये मल्टीप्लायर की आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से आए, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, और सिंपली क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और मल्टीप्लायर को शिफ्ट राइट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट लेफ्ट कर दिया और मल्टीप्लायर को शिफ्ट राइट कर दिया, क्योंकि वो तमाम जीरो है तो जीरो ही रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि हम अपनी चौथी आइट्रेशन में आते हैं, और चौथी आइट्रेशन भी सेम है, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो हम तो कुछ ऐड नहीं करने वाले, ऐड नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और मल्टीप्लायर को शिफ्ट राइट करेंगे। सो हमने उसी तरह उसको फॉलो किया, इसको शिफ्ट लेफ्ट किया, इसको शिफ्ट राइट किया, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। जितनी आइट्रेशंस हमारे पास, जितनी बिट्स थी मल्टीप्लायर के अंदर, उतनी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। सो अब कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अपना हमारा जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट हो गया है, और हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। सो अगर आप कन्वर्ट करें 110 को डेसिमल में, तो आपको पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट आया है 6। सो बेसिकली जब 11 को मल्टीप्लाई करें 10 से, मतलब कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर 6 ही आता है। सो इसका मतलब है कि हमारा शिफ्ट ऐड मल्टीप्लायर का वर्जन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।